चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बल की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि यह मुठभेड़ क्षेत्र के सर्चिंग अभियान के दौरान हापा टोला के जंगल के अंदर डीआरजी और बीएसएफ के संयुक्त पार्टी और नक्सलियों के बीच हुई। इसके तहत ही एसपी कल्याण एलिसेरा ने मुठभेड़ में 12 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव भी मारा गया है। साथ ही नक्सलियों के कब्जे से 4 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद जब्त किए गए। आज छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में डीआरजी और बीएसएफ पार्टियों के साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी इस तरह के बड़े काडर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में।